तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस एक्सेस में सीक्वल क्वेरी का इस्तेमाल करना और क्यों करना है। ये हमने इसके लिए लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कशन किया था, बात करते हैं। तो लास्ट क्लासेस में हमने बताया था कि किस तरीके से आप फ्रॉम करके सकते हैं, ठीक है ना, और आपने स्टार लगा के ओवरऑल आप डेटा को ले सकते हैं। लेकिन आज हम बताएंगे कि मुझे ओवरऑल डेटा नहीं चाहिए, मुझे कुछ पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो कैसे करें, ठीक है। तो हम क्रिएट में आते हैं और यहाँ पे हम डिजाइन क्यूरी और इसी के इसके स्टेप मार के एसक्यूएल वाले व्यू में चले जाते हैं। तो मुझे इसमें से कुछ कॉलम चाहिए, जैसे मुझे इसमें से सीएनएम चाहिए, मोबाइल चाहिए और फी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट सीएनएम, राइट सर, यहाँ पे मोबाइल एंड फी, और यहां लिखेंगे फ्रॉम आई एंड क्यू। यहाँ पे क्यूरी वन में जाके सेव करते हैं और क्यूरी वन को मैं रन करता हूँ, देखिए आपका सिर्फ यही आया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेशन करना, जैसे यहाँ पे जीएसटी निकला हुआ है ना टोटल, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि टोटल का 10% कमीशन, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉमा यहाँ लिखूंगा टोटल का, यहाँ पे लिखेंगे एज ए सी ओ एम, ठीक है। तो हमने जब भी कोई नई फील्ड, अगर आप यहाँ पे फील्ड को कैलकुलेट करते हो तो आप यहाँ पे उसकी फॉर्मूला को रखो, राइट, और यहाँ पे एज ए फील्ड का नाम देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, क्लियर है। अब इसमें जो हमारे पे डेट है, मुझे इसका मंथ चाहिए, राइट, तो मैं यहाँ पे कॉमा मैं लिखता हूं मंथ, और मंथ के अंदर मैं देता हूं डेट क्या है, सी डेट ना, सी डेट, और इसको क्लोज करता हूं, यहां पे लिखता हूं एज ए मंथ, आ गया मंथ। सिर्फ आप इस पे ये नहीं कर सकते हो, आप इस पे कैलकुलेशंस में आप इसकी जो तो फॉर्मूले लिस्ट है वो फॉर्मूले लिस्ट भी लगा सकते हैं, ओके। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, हम चलिए उसी सीट पे चलते हैं जहां पे हमने आपको टेक ऑन द नेट का लिंक करने के लिए उस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। यहाँ सिलेक्ट क्वेरी को पढ़ने के लिए यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर का अपना एक फंक्शन लिस्ट भी है, तो हमने फंक्शन लिस्ट भी चलिए पढ़ते हैं, और ये सारे फंक्शन लिस्ट रिलेटेड टू जो पढ़ चुकी वही है, बस अप्लाई करना है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे कुछ फंक्शन ये है यहाँ पे जैसे फंक्शन है, ये जो फंक्शन आपने एक्सेल में पढ़ा था वही फंक्शन यहाँ पे हम आप यहाँ यूज करते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो कि समराइज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि सम, ठीक है,
अब यहां पे जैसे लिख दिया स्लग सेम फ्रॉम द टेबल बेयर कंडीशन, राइट। तो इसमें चलिए यहां पर सम निकाल देते, राइट। तो क्या मैं यहां पे लिखूं सेलेक्ट सम, सम के अंदर मैंने फी लिख दिया, ठीक है, एज ए टी आई क्यू। यहां पर सिर्फ एक सम आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं कि सम मैं यहां पे नहीं लिखा, अब यहां पे दिक्कत होगा, एक यूनिट मुझे मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, नहीं हुआ, पता है कि मैं क्यों नहीं हुआ सर, कि जो सम का फंक्शन है ये समराइजेशन फंक्शन है, ये टोटल करके देता है, बट मुझे टोटल जो करना है, टोटल तो कर ही रहा है, लेकिन फिर वो नाम के आगे टोटल थोड़े लिख पाएगा, वो थोड़े लिख पाएगा पूजा का टोटल क्यों, ये तो सम कर रहा है, इसलिए कोई कंडीशन थोड़े लगा हुआ, बात समझे। जैसे आप पिवट टेबल निकाल देते हैं, वो पिवट टेबल थोड़ी लिखा हुआ है, क्योंकि आप चाहते हैं कि पिवट टेबल की तरह आए, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तो ग्रुप बाय देना पड़ेगा ताकि वो ग्रुप कर दे, समझे, साथ ही ग्रुप बाय मैंने लिख दिया सी प्लेन, आपका यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपका जैसे कि आपने न्यू क्यूरी बनाया तो याद होगा न्यू क्यूरी क्यूरी लगाई थी ना, तो क्लोस्टर क्यूरी में आपको रो एंड कॉलम दोनों देना था, बट यहाँ पे सिर्फ रो वाइज दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और आता है कि मुझे यहाँ मान लीजिए मुझे इंक्वायरी में से यहाँ पे इंक्वायरी दिया हुआ है, मुझे इसमें से सिर्फ कोर्स का लिस्ट चाहिए, मुझे इसको यूज करना है किसी टेबल में ड्रॉप बॉक्स के लिस्ट में, और मुझे नहीं यूज करना है, समझे। तो यहां पे मैं सिर्फ सम हटा देता हूं, ठीक, और सिर्फ मैं लिखता हूं सी नेम इंक्वायरी ग्रुप बाय सी नेम, तो क्या आएगा, कैलकुलेशन ना करूं तो क्या मेरा सिर्फ नेम का लिस्ट आएगा, जरूर आएगा। अब मुझे इसकी एक एक चीज और कॉपी करना है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक नया न्यू टेबल क्रिएट करता हूँ और इसके डिजाइन व्यू में चला जाता हूँ, डिजाइन व्यू में इसमें डेटा शीट टेबल का डिजाइन व्यू ना, टेबल में हमने यहाँ पे डेटा नाम का टेबल बनाया, यहाँ पे मान लीजिए सही है, यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम में शॉर्ट टेक्स्ट नहीं, मैं यहाँ पे कैलकुलेटेड में लुकअप विजार्ड चला जाता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश कर आ गया कि लुकअप वैल्यू पे देखिए क्वेरी लगा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट उसी क्वेरी को ले सकते हैं, समझे, तो क्या काम करेगा ये, देखता हूँ। अब मैं डेटा में जाके एंट्री करने की कोशिश करता हूं, इससे क्या पता चला कि हमें अब एसक्यूएल कोड को ही डायरेक्ट लिख दूंगा, मुझे अलग से क्वेरी वन बनाने की जरूरत नहीं है,
जो क्यूरी वन के अंदर जो सिक्यूल क्यूरी वर्क कर रहा है वो डायरेक्ट हमारा वर्क कर रहा है किसमें, टेबल के लुकअप विजार्ड में। दिया सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम आईएमक्यू ग्रुप बाय सी नेम। तो सर फंक्शंस को लगाना और फंक्शंस में आप ये आईडेंटिफाई कौन सा फंक्शंस जो है मल्टीप्लाई वगैरह मंथ वगैरह तो निकल जाता है, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कई सारे डेटा को कंबाइन करके टोटल निकालते हैं, सम मैक्स मिनिमम, ऐसे फंक्शंस में ग्रुप वाइज देना जरूरी है। ठीक है, लेकिन बहुत से फंक्शन है जैसे फ्लोर हो गया, सेलिंग हो गया, राउंड हो गया, मंथ हो गया, ऐसे फंक्शन एक सेल को एक डेटा को लेते हैं और आउटपुट देते हैं, तो आपको उसमें डिवाइड नहीं देना है, वो हर ट्रांजेक्शन पे अप्लाई होगा। समझे, डाउट इसमें नहीं सर? तो इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब फंक्शंस को, अब कुछ फंक्शंस मैं अप्लाई करके बताता हूँ स्किल क्वेरी में, बाकी कुछ फंक्शन आप कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए अब यहाँ इसी डेटा पे आते हैं। ये बाकी फंक्शन तो पता ही है, वो कौन सा फंक्शन क्या यूज करता है। जैसे कॉनकेट फंक्शन है, इसी को लेते हैं। ठीक है, कॉनकेट फंक्शन में एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं, समझे? जैसे कि मैं चाहता हूं कि एक आईडी बनाना चाहता हूं, लॉगिन आईडी, एक लास्ट में लॉगिन आईडी ऐड करना चाहता हूं जिसमें नेम और कोर्स और उसका सिटी तीनों आपस में कंज्वाइन हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी पे जाता हूँ, डिजाइन क्यूरी, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार मतलब पोर्टल चाहिए, उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मा लगाया कॉनकेट, और कॉनकेट के अंदर में हमने दे दिया नेम कॉमा सिटी कॉमा कोर्स, कोर्स के स्पेलिंग ही है ना, ठीक है, मतलब कोर्सेस तो नहीं है, कोर्स, और इसको हमने यहां पे लिखा एज यूजर अभी ग्रुप में हटा देता हूं। पूरी वर्ड को ओपन करता हूं, आइडेंटिफाई फंक्शन कॉनकेट। अच्छा, कॉनकेट फंक्शन इसको रीड नहीं कर पा रहा है। CONCET ओके, कॉनकेट नहीं कर पा रहा है, आई थिंक ये लेटेस्ट फंक्शन है और इसका 2019 का लेटेस्ट फंक्शन था। एसक्यूएल सर्वर का फंक्शन है, इसमें एक्सेस में वर्क नहीं कर रहा है, एसक्यूएल सर्वर का फंक्शन है। तो कॉनकेट के जगह पे आप अगर कंबाइन करना है तो हमारे पास एक और तरीका है, ampersand। अरे आयन परसेंट भी वर्क नहीं करेगा, समझे? ठीक, आयन फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कॉनकेट फंक्शन स्कूल सब कुछ फंक्शन है, यहाँ पे कॉनकेट विद प्लस का साइन है। आप यहाँ पे जो आपने एन परसेंट लगाया है उसको प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कॉनकेट प्लस प्लस
ठीक है। तो प्लस साइन और एम परसेंट साइन दोनों यहां पे परफॉर्म करते हैं, बट स्क्वेयर सर्वर से प्लस करता है इसलिए। कोई डाउट इसमें सर? नहीं सर। तो बाकी के फंक्शंस को भी आप यहाँ पे यूज करें, लेकिन ध्यान रखें कुछ फंक्शन है जो कि जैसे काउंट का फॉर्मूला है, मैक्सिमम मिक्सिमम है, ये फॉर्मूले नहीं वर्क करेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा जिस फंक्शन में कई सारे टेक्स्ट को इंक्लूड है तो सारे टेक्स्ट जो है ग्रुप बाय पे ही चलेगा, और जो फंक्शन समझ नहीं आएगा मुझसे पूछ लीजिएगा कल, ठीक है? फिर कल हम आपको कंडीशंस को कंडीशंस एंड कई सारे फील्ड को लेके कंडीशंस के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है सर।